सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताया था, उसमें स्टेटमेंट दे रखी थी और आपको इक्वेशन लिखनी थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इससे बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ हमें राइट द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन लिखना, पहले P प्लस फोर इक्वेशन दे रखी है, उसका स्टेटमेंट लिखना है। P प्लस फोर यानी कि दो नंबर हैं, एक तो P है और दूसरा 4 है, इन दोनों को ऐड करने पर 15 आता है। तो इसको क्या लिखोगे? द सम ऑफ P एंड 4, द सम ऑफ P एंड 4 इज 15, यानी कि दोनों को ऐड कर दिया, उनका जो आंसर आ जाए वो 15 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, M के अंदर से माइनस कम किया गया, 7 माइनस 7 किया गया और ये 3 बनता है, तो इसको कैसे लिखोगे? 7 सब्ट्रैक्ट, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे? फ्रॉम M इज 3। बिल्कुल सिंपल है, यानी कि M में से 7 कम कर दिया, तो 7 क्या कम किया? 7, तो 7 पहले लिखोगे, 7 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम किस में से कम किया? एम, तो एम लिखोगे, वो कितना बनेगा? 3 बनेगा। थर्ड, 2M इज इक्वल टू 7, यानी कि नंबर है उसको डबल कर दिया गया, आप ट्वाइस लिख दीजिए या 2 टाइम्स ऑफ ए नंबर कर दीजिए। तो मैंने ट्वाइस लिख दिया, ट्वाइस ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर है? एम है, उसको डबल कर दिया इज 7, यानी कि किसी नंबर को हम डबल कर दे तो वो 7 आता है। तो ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ ए नंबर ऑफ एम, यानी कि एम को डबल किया तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या 2 टाइम्स एम, एम को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, आगे इक्वल टू लगा के 7 लिख दोगे। एम अपॉन में 5, यानी कि नंबर को हमने 5 से डिवाइड किया गया है, तो 1/5 यानी कि पाँचवा हिस्सा हो गया, इसका पाँचवा पार्ट हो गया, तो 1/5 ऑफ नंबर एम इज 3, इस नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 3 आता है, तो क्या लिखोगे? 1/5 ऑफ ए नंबर, कौन सा नंबर है? एम, तो एम को डिवाइड किया तो एम आ जाएगा, इज 3, डिवाइड करने पर 3 आएगा, ये इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट, ये 3/5 तो हम लिखेंगे जैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं, 3/5, 3/5 ऑफ नंबर, नंबर कौन सा है? एम इज 6, यानी कि 3/5 को एम से मल्टीप्लाई कर दोगे, इजिकल टू में 6 लिख दोगे, तो स्टेटमेंट बन गया इसका, 3/5 किसका नंबर, किसका 3/5 है? एम का, इजिकल टू 6 या इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3P+4 इजिकल टू 25। अब देखियो, P को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर 4 ऐड किया गया है, फिर ये 25 बनता है, तो इसको लिखोगे कैसे? P को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से, तो 3 टाइम्स ऑफ नंबर P व्हेन ऐड टू 4, यानी कि 3P को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 4 ऐड कर दिया, गिव्स 25, यानी कि 3P को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 ऐड करो उसमें, तो ये बन जाएगा 25। तो ये इसका स्टेटमेंट, 3 टाइम्स ऑफ नंबर P व्हेन ऐडेड टू 4 गिव्स 25, तो ये हमें 25 का रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट, ये थोड़ी सी उससे अलग है, उसमें प्लस था, इसमें माइनस है। 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स नंबर P इज 18, यानी कि 2 हमने कम करना है किसमें से? P को 4 टाइम्स करके उसमें से 2 माइनस कर दो इज 18, तो ये स्टेटमेंट बन गया हमारे पास, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर P इज 18। क्वेश्चन आगे वाला इसका क्वेश्चन 8th, P/2, यानी कि 1 और 2 लग गया तो हाफ हो जाता है, प्लस इसमें प्लस किया गया, ऊपर भी प्लस था, ये बीच में माइनस वाला आ गया था, ऐड टू हाफ ऑफ नंबर, 2 ऐड करना है किसका? P को हाफ करना है, यानी 2 से डिवाइड कर दिया, ऐड टू हाफ ऑफ नंबर P, नंबर मतलब P को डिवाइड किया, P लिया, 2 गेट 8, किसी नंबर को हाफ कर दो और उसमें 2 ऐड कर दो तो ये 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको इसमें, सॉरी स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इक्वेशन बनानी है आपने, तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट हैज 7 मार्बल मोर, यानी कि 7 मार्बल उसके पास ज़्यादा हैं, 5 टाइम्स
द मार्बल परमिट हैज इफरान 37, यानी कि एम जो ले रखा है उसने 5M ले लिया, 5 टाइम्स होगी प्लस 7, तो ये 37 इसकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें बोला दे भी रखा है टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, परमिट में मार्बल के लिए एम यूज किया गया, तो एम मैंने यहाँ ले लिया। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड, लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर ओल्ड, लक्ष्मी के पापा की जो उम्र है वो 49 ईयर है। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी एज, तो लक्ष्मी की एज हमने लेट कर ली, इसमें क्वेश्चन में दे रखा वाई है, फिर 3 टाइम्स करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर भी वो पूरी नहीं होती उसके पापा की उम्र, तो 4 ईयर एड यानी कि और मोर ओल्डर है, तो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू उसके पापा की आ जाएगी। ये उसके लड़की की थी, पापा यानी लड़की थी, उसको वाई लेट किया 3 टाइम्स किया और इसमें 4 ऐड किया, तो ये उसके पापा की उम्र बन गई, पापा की उम्र को तो 49 है। नेक्स्ट थर्ड, द टीचर टेल्स क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ए स्टूडेंट इन क्लास इज ट्वाइस ऑफ द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, तो हाइएस्ट नंबर जो है वो 87 है और लोएस्ट बचे 6, उसका डबल करके प्लस 7 करें तो वो हाइएस्ट नंबर के इक्वल है, तो लोएस्ट नंबर हमें L दे रखा है, इसको ट्वाइस करेंगे तो 2L हो जाएगा, प्लस 7 और ऐड कर दिया तो हाइएस्ट नंबर के इक्वेशन हाइएस्ट नंबर के इक्वल चला जाएगा, तो लोएस्ट नंबर ये थे और हाइएस्ट ये है, तो लोएस्ट नंबर को डबल करो उसमें प्लस 7 करो, 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87। लास्ट है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, ट्रायंगल वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस, तो इसका जो वर्टेक्स एंगल है जो बेस एंगल से डबल है, आइदर बेस एंगल लेट एंगल बी, और आपने बेस एंगल बी लेना है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ ए, तो हिंट दे रखा है, और ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। मैं यहाँ पर थोड़ा ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये बी बेस एंगल है तो ये बी ये बेस एंगल है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, और वर्टेक्स जो एंगल दे रखा है वो 2B दे रखा है क्योंकि इससे जस्ट डबल है, वो डबल है, तो बेस एंगल इज बी, सेकंड बेस एंगल भी बी हो जाएगा दोनों का, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस यानी कि डबल है, तो 2 इंटू बेस का एक एंगल है बी, तो उसको बी से मल्टीप्लाई कर 2B करते हैं। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो तीनों एंगल का सम होता है, ट्रायंगल का सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज सम ऑफ 3 एंगल्स ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया, एक बी हो गया प्लस दूसरा बी हो गया प्लस वर्टेक्स एंगल और 2B हो गया, तो ये बी प्लस बी 2B और 2B 4B हो गया, ये तीनों एंगल का सम हो गया, और तीनों एंगल का सम हमें 180 डिग्री दे रखा है, तो 4B इज इक्वल 4, ये तो पी है ये बी आ जाएगा, तो 4B इज इक्वल टू 180 देगी। थैंक्स, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, नेक्स्ट 2.4 नेक्स्ट टाइम।